कैसे हो यार पेपर आपका? कमाल का पेपर, कमाल पेपर है, झूठ बोल रहा है। मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, सोचो हुआ है और पास हो जाएंगे क्योंकि मैथ का पेपर आपको पता तेरा ऐसे ही होता है। यार भाई जल्दी से निकलते हैं, घर चलते हैं और उठो जल्दी करो, उठो 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 जल्दी करो, जल्दी उठो। ये भी अपने लिए मैंने प्लेट तैयार कर ली है, बाकी चीज़ें आती हैं तो वो खाते हैं। तो जी गाइस फाइनली सो कर चुके हैं, सुबह वगैरह हो गई है, कॉलेज जाने के लिए टाइम भी हो रहा है, 11:10। आपका भाई उठ गया, 10 बजे का टेस्ट वगैरह अपना उठ के डिवाइस किया, तैयार शेयर हुए हैं कॉलेज के लिए। ये है जी फुल लुक मेरी, तो भी जल्दी से निकलते हैं कॉलेज। तो ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल डे, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ये आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज पहला रोज़ आपके भाई का और पेपर भी स्टार्ट हो गया, हमदा भाई भी आ गए हैं, देखने हैं अभी जल्दी चलते हैं दोनों पेपर देने और सारी ट्रेन जाते हैं कि रोज़ा पहला कैसा गुजरता है। अभी आपके भाई ने बबल गम खा लिया दो, लेकिन खैर है गलती से खाइए कोई बात नहीं। भाई आप करो यार, बबल गम खा दो, खा लिए यार, कट्टी खा लें यार, मैं पैसे भी लेके आऊँ चीज़ लेके, मेरे देर में नहीं रहा तो मैं नीचे हूँ, मैं क्या आता रोज़ है यार। अभी जल्दी से निकलते हैं, कॉलेज चलते हैं। 3 hours later। तो ठीक है फाइनली पेपर वगैरह देखे वापस आ चुके हैं, हम दवाई सबूत का पेपर कैसा हुआ? कैसा हुआ यार पेपर आपका? कमाल पेपर है, झूठ बोल रहा है। मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, सोचो हुआ है और पास हो जाएंगे क्योंकि मैथ का पेपर आपको पता तेरा ऐसे ही होता है। यार अभी जल्दी से निकलते हैं, घर चलते हैं और घर जाकर रोड़ा भी बड़ा लग रहा है, गर्मी बहुत आ पाए, क्योंकि धूप वगैरह बहुत है। जल्दी से घर चलते हैं और फोन से अपना रोड़ा गुजारते हैं, रोड़े के बाद फिर आपको मिलते हैं। Few minutes later. तो फाइनली कॉलेज वगैरह सो घर वापस आ चुके हैं, आके फ्रेश वगैरह हैं, कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, फेस वगैरह वॉश किया। ये हाशिता भी तो जा रहा है खजूर लेने, जा रहे पापा का, चलो जाओ फिर आप। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं, 1 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद तर्जुमातुल कुरान का कल पेपर है तो उसकी तैयारी वगैरह साथ शुरू करते हैं। सारा आपको दिखाते हैं कि रमज़ान में क्या रूटीन होती है, क्या कुछ करते हैं। रमज़ान अफ्तारी के बाद ट्यूशन भी जाना, तो उसके लिए भी फिर तैयारी शारी करनी है, क्योंकि ट्यूशन भी टेस्ट हो रहे हैं। तो है भी जल्दी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं क्या पढ़ते हैं आज। असद उठ जाओ, असद उठ जाओ, 5 बज गए हैं, जल्दी उठो। असर की नमाज अभी आपने पढ़नी है, नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, अभी आपने कुरान पाक पढ़ना है, उठ जाओ, उठो जल्दी करो, उठो 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 जल्दी करो, जल्दी उठो। तो ठीक है फाइनली सो के उठ चुकी हैं और उठ के नमाज वगैरह भी पढ़ ली है, नमाज वगैरह भी आपका भाई पढ़ता, हाली सोता नहीं रहता है वो, नींद आ गई जिसलिए तेरा नैप ले लिया, 3 घंटों की बस, 3 घंटों की नैप लिए, ज्यादा देर की नैप नहीं ले, जगह चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में क्या बन रहा है आज। ये तो मेरे ख्याल से मामा ने पुलाव बनाया, क्योंकि पुलाव मेरा फेवरेट है, पुलाव बना लिया आज। और इधर साथ ये चिली चिकन पीस से मैरिनेट हो गए हैं, और ये मेरे अभी सब कुछ बनता ना, तो फिर खाएंगे और टेस्ट भी बताएंगे आपको, टेस्ट क्या है सबका। अभी अपने लिए मैंने प्लेट तैयार कर ली है, बाकी चीज़ें आती हैं तो वो खाते हैं। अभी समोसे आ चुके हैं, अभी ये टेस्ट करके बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा है। मज़ेदार। तो इफ्तारी वगैरह करके ट्यूशन चले गए थे, अभी तकरीबन 12 बज गए हैं, और घर पे आके मेरी थोड़ी सी तैयारी रह गई थी तो वो मैं कर रहा था। तो अभी मैंने अपना सिलेबस देखा इस्लामियत का, दोबारा मैं इंग्लिश की तैयारी कर रहा था जिसका परसों पेपर है। इस्लामियत का सिलेबस देखा है तो एक चैप्टर मैंने गलत तैयार कर लिया हुआ था, वो सेकंड चैप्टर मैंने कर लिया हुआ तो थर्ड करना था, तो यार अभी वो तीसरा चैप्टर लेके बैठ गए हैं, तो अब सैरी तक वो याद करते हैं क्योंकि पेपर है, याद लाजमी करना, फिर उसके बाद सैरी वगैरह करते हैं, क्या खिलाती हैं सैरी तक तो ठीक है एक्सरसाइज वगैरह करके हो चुके हैं फ्री, आजकल मैं बस यही कारण जंपिंग रोप करता हूँ क्योंकि वो जिम वगैरह नहीं, आजकल जा रहे पेपर भी हो रहे हैं इसलिए जिम नहीं जा रहा। तो अभी 12:30 हो गए हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए सो लेते हैं, फिर सैरी के टाइम उठेंगे तो सैरी वगैरह करके फिर दोबारा सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के जो काम रह गया ना वो पढ़ लेते हैं, अभी जल्दी चलते हैं और सोते भी ना, फिर उसके बाद आपको सैरी के टाइम मिलते हैं। 3 hours later। तो जी गाइस अभी सो के उठ चुके हैं, तो सैरी का टाइम हो गया, वो आप देख सकते हैं टाइम थोड़ा ही रह गया सैरी में। तो जी आज आ चुके हैं जी आलू के पराठे और साथ चाहिए, अभी टेस्ट में पता है टेस्ट कैसा है इसका, बिल्कुल भी तो गर्म ही बहुत है।
गर्म बहुत है। वे बहुत गर्म है। टेस्ट चले देते हैं कि जो है क्योंकि गर्म बहुत है, अभी जल्दी से करते हैं और फिर उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ते हैं फिर सोना चलेंगे। तो ये फाइनली सैरी वगैरह करके हो चुके थे फ्री। एक तो फ्लैश रात के टाइम ऑन करो ना, ये आंखों में बहुत लगता है। तो बिजली से सोते हैं और सुबह ही आपको एक दफ़ा मिलेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। तो ये फाइनली सो कर चुके हैं, सुबह वगैरह हो गई है, कॉलेज जाने के लिए टाइम अभी हो रहा है 11:10। आपका भाई उठ गया, 10 बजे का टेस्ट वगैरह अपना उठ के डिवाइस किया, तैयार शेयर हुए हैं कॉलेज के लिए। ये है जी फुल लुक मेरी। तो भी जल्दी से निकलते हैं, कॉलेज चलते हैं। तो रात के मैंने ब्लॉग का आउटरो कर देना था, लेकिन रात को वो आपने देखा पिछले क्लिप में कि आंखें नहीं दिखोड़ रही फ्लैश लाइट की वजह से। तो है आज के लोग यहाँ पर एंड करता हूँ। आपको आज के लोग अच्छे लगे, अगर आपको आज के लोग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।